काफी सालों से एक बड़ा सा सांप एक बर्फ की दीवार के पीछे कैद था। अचानक से वो दीवार टूटने लगती है, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। तभी हम मिंग को देखते हैं, वो अपने गुरु से रक्षा कवच बनाना सीख रहा था। लेकिन जैसे ही उनको खतरे का अंदाजा होता है, मास्टर अपने जादू की मदद से मिंग को दूर भेज देते हैं। अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तीन स्पिरिट्स को बुलाने लगते हैं। अचानक से वहाँ पर एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है, जिसमें से तीन स्पिरिट्स बाहर आ जाती है। वो लोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस दीवार को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। वो सांप उस दीवार को तोड़कर बाहर आ गया था। दूसरी तरफ मिंग अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने साथियों को वहाँ पर ले आता है। वो सांप अपनी जीभ की मदद से कुछ जहरीले कांटे फेंकने लगता है, लेकिन मिंग को रक्षा कवच बनाना नहीं आता था। तो फिर उसके मास्टर अपनी जान देकर मिंग की जान बचा लेते हैं। मास्टर को मरता देख एक स्पिरिट उस सांप के मुंह के अंदर चली जाती है और अपनी बलि देकर उस सांप के शरीर को तबाह कर देती है। अब मास्टर के शरीर में सांप का जहर फैलने लगता है। वो मरने से पहले मिंग को बताते हैं कि 300 साल पहले ये सांप इस धरती पर आया था और चार योद्धाओं ने मिलकर इस सांप को इंपीरियल सिटी की राजकुमारी के शरीर में कैद कर दिया था। इसके बाद मास्टर मिंग को एक तलवार देते हैं, जिसकी मदद से उस सांप को मारा जा सकता है। अचानक से राजकुमारी के शरीर में दर्द शुरू हो जाता है।